बोलता भी नहीं था, बिना बात के उन लड़कियों ने पीटा हमको, बिना बात के बेचारा जो काम मिलता था वही कर लेता था, कभी नहीं करता था अभी मैं ये काम नहीं करता। क्या मामला था, क्या पता चला, चल रहा था, क्या हुआ फोटो दे दी मम्मा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने पिता को केक खिलाने वाला अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। किस तरह से मसाज पार्लर की उन बदमाश लड़कियों ने इसकी पिटाई की, जिसके बाद उसके बाद हाँ। ना हमने शिकायत करी है, पहले हमको यही सिविल में मिल गया, मर गए। मैडम अफसर ने बोला था कोई सुसाइड नोट, कोई ना कुछ भी नहीं निकला भाई, मैंने सारी जेब खोल लिया। जहर खाया सर, जब अमन की सब मीडिया वालों से बात हुई थी तो उसने बोला था कि हम लोगों ने काफी देर, मतलब सब थे वहाँ पर, कि 112 पे फोन करते हैं, तो अमन ने बोला था मैं खुद जा रहा हूँ, तो गया नहीं था पुलिस के पास। जहर खाया था यहाँ पे, ये तो निर्मल कुटिया के बाद थाने में भी गया था और यहाँ पर भी आया हुआ था सिविल में इसको मैं खुद लेकर गया हूँ घर। अच्छा, उस दिन शिकायत करने गया था, उस दिन शिकायत करने गया था अमन। हाँ, शिकायत वहाँ पर करने गया था, सिविल लाइन था। अमन ने आपसे कोई सिविल लाइन में, सिविल लाइन वाले थे इसको पकड़ के ले गए थे, लड़कियों को भी इसको भी। अच्छा, लड़कियों के इन्होंने ऊपर खड़ा कर रखा था। हाँ। मेरा अमन बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा था, जैसे हम आम नागरिक खड़े हुए हैं, जैसे कि इसको किसी ने पकड़ा ही ना हो। फिर मैंने हमसे पूछा, मैं क्या घर चल, कह रहा पापा मेरी मैडम आने दो। उसकी मैडमों ने भी यही बोला कि हमको भी 10-12 लड़कियों ने मारा, और लड़की के भी कपड़े फटे पड़े थे। तो लड़कियां पकड़ी गई थी, वो तो पकड़ी गई जो अमन के साथ आए थे, जो अमन की कंपनी में लगी हुई। अच्छा, अच्छा। उनके भी कपड़े उन्होंने फाड़े थे। कभी कोई आपसे उसने बात शेयर की, बात आपको बताई? उसने मेरे आगे कोई अपने जैसी दिल की बात नहीं की, बस यही कह रहा था डैडी हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उस टाइम जी सब मीडिया वाले कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी बात नहीं है। सिविल वाले, ये लड़का तो वैसे घर गया, सारा रात सोया नहीं, वो घर पे मेरी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती महसूस हुई है। कुछ पुलिस वालों ने ये कह दिया आपके घर समन पहुंच जाएंगे, वो तब भी वो भी डर गया, कुछ और घबरा गया वो। और सुबह जब घर से निकला वो काम के लिए, उस टाइम उसने अपना रास्ते में कुछ सल्फाज वगैरह खा के, तो उसके बाद इनके पास फोन आया किसी का मार्केट में कि ऐसे से आपका लड़का यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये गए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आए हैं उसको लेके, इसकी उसकी मम्मी, हमारी मम्मी यहाँ लेके आए हैं। तो उसने भी यहाँ पर भी ये बात कर रहा है कि मम्मी मैं डरा हूँ, मेरे को पुलिस वाले समन भेजेंगे। सुभाष गेट में इसी ने सल्फाज खाया? सुभाष गेट में नहीं, रामनगर। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई सर ये चाहेंगे परिवार को इंसाफ मिले और ये चीज बंद हो। आपको पता है कि गलत काम चलता है खुलेआम? बिल्कुल बिल्कुल, पीछे रेड पड़ी है सर, आपने कवरेज किया, सबने कवरेज किया, मगर क्या फिर भी वही चल रहा है, और ये सब
प्रशासन और ये सब मिले हुए हैं, सब कुछ मंथली चल रही है। अगर मंथली ना चल रही है, एसपी साहब है, सब कुछ है, सब खट्टर था, सबको किनको नहीं पता। क्यों पिटाई क्यों हुई थी कुछ बताया था? पिटाई तो सर ऐसे की ये गोडाउन में, वहाँ पर गोडाउन था इनका ऑफिस का, वहाँ पर सामान रखने गए थे। आगे से लड़कियों ने, कोई लड़का कोई और था वहाँ पर, जिनको छेड़खानी की होगी, तो नाम इसका आ गया कि भी इसको पकड़ा, इसने भी छेड़खानी किया, इसको ये कह रहा मैं भी इनके साथ आया हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने स्टाफ को भी पीटा उनके, इसको लड़के को भी पीटा, ठीक है, और उसके बाद जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर था उसको भी पीटा है। उसके बाद ये ढूंढते रहे उनको, ये आए हैं, उसके बाद ये थाने में आए हैं, वहां पर उन्होंने मैडम ने कह दिया होगा कि भी आपका समन आपके घर पहुंच जाएंगे, जाओ आपके घर समन पहुंच जाएंगे। उस घर के वो लड़का डर गया। पैसे भी छीने सर? पैसे भी छीने, 12,500 उसके पास थे, जो उनके ऑफिस के सर ने दिए थे कि भी माल उतरने के बाद आप गोडाउन में जब माल उतरवा दोगे तो उस ड्राइवर को पैसे दे देना आप। तो लड़कियों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है? लड़कियों की गुंडागर्दी सर, गंदी लड़कियां हैं, उनका काम ही है। पीछे भी कितने काम हुए हैं ऐसे, ये तो लड़कियों की कौन थी मैं, वो तो सारी रिकॉर्डिंग में होगी, जो परसों कवरेज हुई है उसमें सब रिकॉर्डिंग होगी उसमें, ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चरणजीत। आप भाई हैं? नहीं, फ्रेंड्स हैं। सर 2 दिन पहले हमारे पास कंप्लेंट आई थी, लेकिन इस लड़की की कोई कंप्लेंट नहीं थी हमारे पास। जनता कोई लड़की थी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता। कोई कंप्लेंट आई थी ऐसे ही, सुनीता से मैंने पूछा, वो उनका आपस में झगड़े कोई मैटर था, वो उनका सोल आउट हो गया था, जो उन्होंने बताया। सर मीडिया में खबर चली थी, इस लड़के ने बयान दिए थे कि इसको पीटा गया है वहां पर, इसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि एक पुलिस कर्मचारी ने इनको डरा दिया कि आपके पास भी समन आएंगे, जिसके चलते कोई शिकायत नहीं दी गई। नहीं नहीं, शिकायत है हमारे पास, लड़के ने शिकायत दी। लड़के ने शिकायत नहीं दी, वो लड़की थी, उन्होंने शिकायत दी। इसके खिलाफ दी थी? अमन के खिलाफ? नहीं, इसके खिलाफ नहीं थी, वो लड़कियों का आपस में झगड़ा था। इसका कहीं इसमें नाम नहीं था। तो इसको आप ले गए थे वहां से? मेरे संज्ञान में नहीं, अभी लेके गए थे ना लेके गए थे, और न मैंने इस लड़के को देखा। सर पुलिस कर्मचारी ये क्यों कहा गया कि आपके घर समन आएंगे जब इसका नाम ही नहीं? ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मेरे को क्या पता किसी ने कहा भी है कि नहीं। क्या हुआ सर आज? क्या हुआ जी आज? तो ये जो रामनगर में भी रुका गया था, इस लड़के ने जहर खाया, तो ये रामनगर का रहने वाला है, और जब इसको लेके आए परिवार यहाँ, इसकी डेथ। तो परिवार वाले बता रहे हैं कि वो मसाज पार्लर की जो लड़कियां थी उन्होंने पीटा था इसको, मीडिया में भी चलाया और उसने खुद कबूली है वो बात। मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, जो कंप्लेंट है वो किसी लड़की ने दी थी वहाँ, जो 2 दिन पहले दी थी। तो सर परिवार के लोग जो समझौता हो, आप परिवार के लोग जो बयान दे रहे हैं वो बयान देंगे, उसके कार्रवाई करेंगे। सर मसाज पार्लर अभी भी चल रहे हैं? चुपके चल रहे हैं वो अभी? तो देखो जी, जो अभी पहले भी हमने 3 पर्चे दिए, अभी आपको पता है 3 पर्चे देके अभी दिए हैं, 3 FIR दर्ज करी थी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, करेंगे कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। 100%।